उनका सब सक्षमता है, लेकिन किसी को कोई स्वार्थ से जुड़ा है, निस्वार्थ से जुड़ा है। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब लोग भाग्यवान हैं जो निस्वार्थ से जुड़े हैं, गुरु ने आपको यहाँ बुला गया। कोई लोग आगे जाकर चले गए, कोई लोग वहाँ का वहाँ छुड़ गए और कोई लोग नहीं आए, तो ये उनकी बात है कि उनका गुरु जी क्या चाहते हैं। आप सब लोग आए हैं तो मैं आपको सचमुच भाग्यवान कहता हूँ कि आए हैं। अगर आप अपने निष्ठावान गुरु के साथ निस्वार्थ रूप से गुरुमंत्र करते हुए उस मंत्र को करते हैं और उन चीज उन स्थानों का दर्शन देते हैं, तो आप भाग्यवान हैं कि आपके जीवन में भी वो भाग्य आएगा जो हिमालय की तराई में आए। कांचनजंगा को कहते हैं कि यहाँ उन ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली जो कामाख्या के बाद, जैसे हम कहते हैं कि जंगा का अर्थ होता है थोड़ा तो ये माता कामाख्या या पार्वती माता जो कैलाश पर्वत में आदि पराशक्ति ने जहाँ खड़े होकर दर्शन दिया था, माता की माता दृश्य रूप से थी, केवल शिव जी देख रहे थे, तो उसके ऊपर जैसे ही सूर्य किरण गिरे और सूर्य ने उनको जब देखा तो वह स्वर्णमय उनकी जांग हुई, इसलिए स्थान को जहाँ माता की उसे कांचनजंगा कहा जाता है। और यहाँ से ही माता जी गई और कामाख्या में उनका हिमालय पूरा, हिमालय तो उनकी माता सती का ही स्थान कहा जाता है, हिमालय पर्वत उनके पिताजी हिमालय पर्वत मैना की उनकी मेनिका उनकी माता थी, और वो प्राण लेने का ये सारा हमारा किस हिमालय की सारे चीज़ों को देवभूमि कहा जाता है। तो इस देवभूमि में यह जो कांचनजंगा का क्षेत्र है, यहाँ गंधर्व लोग रहते हैं, गांधर्व रहते हैं यहाँ, और यहाँ गंधर्व लोग जो सच्चे गुरु साथी हैं, जो गुरु की पूजा करने वाले हैं, जो गुरु को मानने वाले हैं, उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देकर एक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, उनके जीवन का भाग्य बदल देते हैं। यहाँ की गंधर्वों की भूमि है, थोड़ी यक्षों की भूमि है, अब तो अभी कांशन नरनारायण पर्वत है, जहाँ में कभी हो सके तो वहाँ भी जाएंगे, वो अप्सरा का स्थान है। यह सारे के सारे लोग देवताओं की सेवा में बैठते हैं, वैसे ही कांचनजंगा का इस का यहाँ स्थान हिमालय कामाख्या का स्थान गंधर्वों का स्थान है। गंधर्वों से गान धर्व यानी गानों को धारण करने वाले, गान को संगीत को धारण करने वाले को गंधर्व कहा गया, और वो लोगों की आवाज़ सुनने के लिए देवता भी तड़पते हैं, देवता भी उनकी वीणाओं के संगीत को सुनने के लिए, इसलिए गंधर्व स्थान कहा गया है। और यहाँ इस गंधर्व स्थान में यहाँ की जल, यहाँ की वायु, यहाँ का कविता कहते हैं कि यहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं आपकी किसी भी प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि जब स्वामी विशुद्धानंद जी भोलेनाथ के नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने अपने बचपन में अपनी माँ के पास कलकत्ता में जाने थे, उनका गांव था बंडुल नाम का एक छोटा सा गांव था, उस गांव में रहते थे, तो उनको कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काट लिया के कारण भोलेनाथ का शरीर इतना खराब हो गया, उस समय कुत्ते की विष्ठ निकालने का कोई ये नहीं था, उनकी चमड़ी पूरी काली काली हो गई थी, चमड़ी से सब दुर्गंध आ रही थी, सब नीचे गिर रहा था, अब उनसे कोई भी मिल नहीं रहे थे भोलेनाथ से, तो उनको वो गंगा किनारे बंडल में रहते थे। तो एक दिन सुबह 3-4 बजे ये निर्णय ले लिया कि ऐसे शरीर के लिए तो मैंने जीना क्या है, और वो वहाँ से सुबह 3 बजे उठकर उनके एक दोस्त के साथ बोले तो मेरे साथ चल, और वो दोस्त कह रहे थे तो कहाँ जा रहा है, तो पहले तो उसको रोका लेकिन वो नहीं आ रहे थे, तो भोलेनाथ ने कहा कि ऐसे शरीर के लिए जीने से भी अच्छा है मैं प्राण त्याग कर देता, मेरा शरीर पूरा चिट्ठी खराब हो गई और सब खराब हो गया, मैं जाकर मेरे प्राण दे देता। जैसे ही गंगा में कूदने के लिए गए तो एक वहाँ देखते क्या है, गंगा में एक पानी नीचे उड़ रहा है और नीचे से उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, उसमें जैसा पत्थर गिरने पर पानी उड़ता है, वैसा उड़ रहा है, ये क्या चीज़ हो रही थी। और वहाँ जैसे विश्वनाथ जी गए उस शक्ति ने उनको उठा लिया और कहा कि क्यों उनको ऐसा करना चाहता है, उन्होंने कहा तो ऐसे शरीर को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, लोग मेरे पास नहीं थे, मेरे माँ बाप मेरे शरीर से गलत कर रहे थे, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं प्राण त्याग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा तेरा कारण तेरा जन्म तो किसी कारणवश हुआ है, और ये कुत्ता काटने का तो एक बहाना है, कुत्ता काटने का या तेरे शरीर की जमीन खराब होने का कोई बहाना है, क्योंकि मैं एक साधु हूँ और मैं तुझे इस साधु के कारण मैं तुझे कहता हूँ कि मैं
तेरी इस बीमारी को कम करता हूँ, लेकिन एक वचन तो मुझे देना चाहिए। मैंने कहा क्या वचन देना? सातवें दिन तू आएगा तेरे माता को, माता से आज्ञा लेकर, तो मैं तुझे जहाँ लेना चाह ले जाना चाहता हूँ तो वहाँ आएगा, ये पूछ ले क्या मैं इस तेरी चरण व्याधि को कम कर देता हूँ। वादा लेगा, ऐसी दरिद्र जिंदगी जीने से भी अच्छा है कि उनको वादा कर ले। उन्होंने कहा मैं मेरी माता से जरूर आज्ञा लेकर आऊँगा, और आप जिस मंदिर पर खड़े हैं एक बार फिर मैं वहाँ मंदिर पर खड़ा रहूँगा, आप मुझे आकर ले जाए। देखते क्या है, उन्होंने जैसा ही हाथ फेरा और एक उनकी सारी चमड़ी की सारी चमड़ी ठीक हो गई और उनका शरीर ठीक हो गया और वे अपने घर चले गए। तो माता जी ने देखा कि बेटा तू इतना असर, इतना सुंदर, इतना अच्छा, कैसा क्या हुआ? उन्होंने कहा माँ एक साधु आए थे और साधु ने मेरे को जैसा ही पानी डाला और किया तो मेरा शरीर इतना सब बदल गया। लेकिन माँ एक बात कहता हूँ, तेरे बच्चे को उस विषय में और मृत्यु में जिंदगी से बाहर निकालने वाले उस साधु ने एक वचन लिया क्या कि बोले कि अपने इस गांव के राम महान मंदिर में तू चार बजे आकर खड़ा हो जा, मैं आकर तुझे ले जाऊंगा कि तेरी, लेकिन तुझे ले जाना होगा तभी जब तेरी माँ की आज्ञा हो। तुमने माँ का जब तुझे अच्छा किया वो साधु है, तुझे लगता है मैं तो देख रही हूँ तेरा शरीर इतना अच्छा हो गया, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू जा। चार दिन के बाद वो साधु ये यहाँ वहीं खड़े थे मंदिर में, वो साधु राम उस महान मंदिर के पास आए और कहा कि चल, तो उनके साथ एक दोस्त भी थे, उन्होंने कहा कि इतने तुम अच्छे हो, इतना सब किया है, मैं भी इनके साथ आता हूँ, तेरे में शक्ति नहीं होगी, फिर भी तू उनका दोस्त है, इसलिए तेरे को ले जाना ले जाऊँगा। ऐसा कहते हुए उन दोनों को लिया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों मेरे हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लिया और वे हम खोल के देखते हैं तो वे कहाँ थे, कंचनजंगा के पर्वत पर थी, वो एक छोटी सी छोटा सा मंदिर है और वहाँ उस मंदिर में उन दोनों को खड़े किया और उसने कहा कि मैं सिद्धाशंकर योगी नेमानंद हूँ और सूर्य सिद्धांत का प्रणेता हूँ, तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करना है, मैं जब तक नहीं आता था पूरा घना जंगल और उन दोनों को वहाँ छोड़ दिए, शेर बबरों की आवाज़ रात में, केवल मंदिर है वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह वहाँ भोलेनाथ को खड़े कर दिया और दोनों को कहा नहीं आ जाओ। अब उनको चिंता एक प्रश्न हुआ कि हम यहाँ क्या खाएंगे, कैसा रहेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ कर लिया, तुम वहाँ रहे और मैं जब तक यहाँ नहीं आता तब तक नहीं आता, वो उनकी परीक्षा लिखना चाहता। वो वहाँ खड़े रहे तो रोज़ एक औरत आती थी अपनी टोकरी में छोटी सी रोटियाँ और थोड़ा सा फल और पानी लेकर आती थी, कहा बेटा यहाँ जंगल में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो ये रोटी खा लो और पानी दे दे, तो वहाँ झरना पे झरने पे पानी पीते थे और लोग हैं। वो लोग परीक्षा ऐसी चली कि 40 दिन तक ना वो आदमी आया ना आया। अब दूसरा राग में आदमी होता तो हमारे घूम जैसे साधक होते तो अभी तो भाग जाते, ही गुरु का आपका आएगा जाएगा आना नहीं कुछ नहीं, कोई साधु हम आम तो फंस गए साधु के चक्कर में आया, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, 40 दिन तक वहाँ खड़े रहे और 41वें दिन वो साधु फिर आए। अगर कहा तुम मेरी परीक्षा में जीत गए और उन्होंने उन दोनों को लेकर सीधा तब उसे ज्ञानगंज कहते थे ऐसा सिद्धाश्रम में सिद्धाश्रम ले गए और वहाँ उन्होंने इस सूर्य सिद्धांत प्रणेता भोलेनाथ का नाम विशुद्धानंद जी में बदल गया और वही इस तपस्या से लिए जहाँ 40 दिन इस कंचनजंगा पे विशुद्धानंद जी थे और यहाँ से नेमानंद नाम के सिद्धाश्रम के सिद्धि योग ने वहाँ यहाँ से उनको लेकर जाकर सिद्धाश्रम प्रवेश दिलवाया। तो मैं इन स्थानों को इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये स्थान सब उस उन महात्माओं से उन योगियों से जुड़े हुए हैं और यहाँ आपको आपको जहाँ तक खतरा जो 40 दिन वो यहाँ थे, जो स्त्री उनको रोटी देने आती थी तो वो कहती थी कि तू यहाँ के हर एक पुरुष का पत्ता रोज एक खाते रहना, तो वो लोगों ने उन्होंने जैसा कहा वैसा रोज एक पत्ता खाते थे। बाद में हुआ ये कि वो जो स्त्री आती थी लास्ट दिन जब निमंत्रण लाके गए थे, उस स्त्री ने आकर जब दर्शन देने गई तो एक गंधर्व कन्या थी, स्त्री थी, उसने देख कर कहा कि तुम सभी को आशीर्वाद, आज से तुम जब भी मुझे पुकारोगे या जब भी मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे को गंध के रूप में आऊंगी, और उनका नाम गंध बाबा लगा गया, विशुद्धा जी बाबा का नाम गंध बाबा का। वो गंधर्व कन्या उनको वो वर देने के बाद आज हम देखते हैं उस आज हमारे शरीर से देखा जाए तो हमारे बाजू में बैठा वाला शायद एक घंटा बैठ सकेगा, दूसरे घंटे में सारा बदबू आ रही है, लेकिन जो अपने शरीर से एक अच्छे गंध को उत्पन्न कर सकता है, जो अपने शरीर को इतना दिव्य रख सकता है और उसको दिव्यता के साथ दे सकता है, तो वो
वो साधना यहाँ के स्थल में है, यहाँ के पानी में और यहाँ के पत्तों में, यहाँ के फूलों में है, जो उन पत्तों को कि किस तरह के पत्तों को जो खा लेते हैं, किसी को चक्कर भी आएगी बात अलग है, लेकिन कहते हैं कि वो गंधर्व यहाँ सिद्ध हो जाते हैं और अपने गुरु का नाम लेकर, एक विशेष मंत्र है गुरु का, उस मंत्र को लेकर अगर उस उन पत्तों को खा लेते हैं तो कहते हैं कि उनके शरीर में कभी दुर्गंध निर्माण नहीं होता और उनके शरीर से दिव्य गंध आता है। और जहाँ ये दिव्य गंध आता है तभी हमारे पास अप्सराएं या कुछ है, नहीं तो हमारे पास कुत्ते सुअर भी आते हैं, उनके साथ बंदर गुजर आते हैं, हमारे पास कोई अच्छा दिव्य व्यक्ति नहीं आता जब तक अपने शरीर से सुगंध नहीं आती। आपने को अर्जेंट से कुछ अपने शरीर से दुर्गंध निर्माण करना है तो लहसुन प्याज खा लो, बहुत अच्छी सी दुर्गंध आएगी। इसलिए कहते हैं पहले से लहसुन प्याज खाने का गंध क्या होता है शरीर से, और ऐसा खाने से क्यों कहते हैं कि खाने से दुर्गंध आने के कारण कोई तुम्हारे पास नहीं आती, इसलिए उसको ज्यादातर बना करो। ये बात अलग है कि वो भी एक औषधि है। आज अगर हम इस कोरोना से बचना है तो आप अदरक, दालचीनी और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा कोदमी इसका काढ़ा बनाकर पियो तो आपके श्वास की जो भी क्रिया है चली जाएगी। और यहाँ गुरु जी की एक शिष्य थी जिसका नाम था अनुरागमयी, और वो यहाँ बहुत बुढ़ी हो चली थी और परमपूज्य से गुरुदेव जी यहाँ जब आए तो वहाँ बैठी थी, जो उनको पता चला कि स्वामी विघ्नेश्वर जी आए हैं तो भाग कर गुरु जी के पास आई और कहा कि प्रभु आपको मैंने देखकर कितना देर हुआ, बोले अनुरागमयी कैसा चल रहा है तेरा धंधा, प्रभु यहाँ को क्या है। जहाँ कहते हैं कि हजारों लोग जिसको श्वेत कुष्ठ होता है जो सफेद जो कहते हैं उसके लिए वो अनुरागमयी के पास दवाई थी, वो सुबह दवाई देती थी और शाम में दवाई लगाकर बैठ जाओ सूर्य की किरणों में बोलती थी और शाम तक उसका शरीर बहुत सुंदर हो जाता था। जिसको कुछ भी युगोडर्मा कुछ भी स्किन की बीमारी हो वो गुरु जी ने उसको एक दवाई बताई थी, उस दवाई के कारण वो श्रेष्ठ थी और उसी नाम से केवल झोपड़ी में एक गुरु जी का फोटो लगाकर रहती थी। जब आई तो गुरु जी को उन्होंने प्रार्थना की प्रभु अभी शरीर शिथिल हो जा रहा है, शिथिल होते जा रहा है, मेरा नाम अनुरागमयी सही है लेकिन मेरी एक इच्छा है। उन्होंने कहा बोल बेटा तुमने इतना सब कुछ किया है, मेरी क्या इच्छा है मैं पूर्ण करूँगा। तो उसने गुरु ने कहा कि गुरु जी मैं आपके सानिध्य में मेरे प्राण को त्याग करना चाहती हूँ, मेरे कोई शरीर नहीं चाहिए, मेरे को आश्चर्य लगा। हाँ जी, लेकिन प्रभु और एक भी शर्त है क्या, मेरा अगला जन्म जो होगा मैं बचपन में 5 साल की जो हूँ तब मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको पहचान सकूँ, ऐसा वरदान अभी देकर मुझे मेरे को